हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल टीडी बगिया में। दोस्तों मैं हूं विकास राठौर, बीएससी एग्रीकल्चर एंड फूड प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही शानदार टॉपिक की, क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्रीन ग्रास के बारे में। दोस्तों क्योंकि ग्रास जो है वो दोस्तों सभी लोग अपने घर में लगाना चाहते हैं, अपने लॉन में लगाना चाहते हैं, अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं, कॉलोनीज़ के गार्डन में लगाना चाहते हैं, हॉस्पिटल कॉलेजेस सभी जगह पे ग्रास लगाना चाहते हैं सभी लोग। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ग्रास के बारे में ही बताएंगे दोस्तों। ग्रास के साथ साथ हम ग्रास की कटिंग कैसे होती है, डिजाइनिंग कैसे होती है, ग्रास लगती कैसी है। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये ग्रास हमने लगा करके तैयार किया है। ये ग्रास की कटिंग हो रही है दोस्तों, कि ये कटिंग किस प्रकार से होती है और कितने समय बाद ये कटिंग की जाती है, या आपने नई नई ग्रास लगवाई है तो कब कटिंग करवाएं, इस तरीके की डिज़ाइन कैसे बनवाएं। जैसे फ़र्श पर आप टाइल्स लगवा देते हैं, उसके बीच में गैप में ग्रास कैसे ग्रो होती है, और जैसे आप ये देख सकते हैं पेड़ पौधों की जो टॉपियारीज होती हैं, जो डिज़ाइंस होती हैं, वो किस प्रकार से बनती हैं, या आपने जो गार्डन बनवाया है उसके आसपास में जैसे हेज लगी है, उस हेज की ये हमारी वर्किंग साइट है दोस्तों। यहाँ पे हमने सबसे पहले ग्रास लगाने के लिए अपनी लैंड तैयार किया है, ज़मीन को तैयार किया है, अच्छे से साफ सफाई करके इसमें हमने जो भी खरपतवार थे वो भी साफ़ कर दी, और कीट जितने भी कंकड़ पत्थर वगैरह पड़े हुए थे वो भी साफ़ करके हमने इसको तैयार कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारी लेबर है वो इसमें जो है अच्छे से वर्मी कंपोस्ट और भी न्यूट्रिशन छिड़क रही है, और दवा छिड़कने के बाद जो है इस तरीके के कारपेट होते हैं दोस्तों, इन कारपेट्स को अच्छे से बिछा देते हैं। और बिछाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक चाहिए होती है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके कारपेट्स में ज़रा भी गैप रह गया तो आपकी जो ग्रास है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, और अच्छे से उनका जो गार्डन है वो दोनों लेवल में नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों ग्रास बिछाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो देखिए फाइनली जो है हमारा गार्डन जो है आधे से ज़्यादा तैयार हो चुका है, ग्रास लगा करके भैया जी ने तैयार कर दी है। और देखिए जो गार्डन है उसमें ग्रास इस तरीके से पूरी तरीके से लेवलिंग होकर के रेडी है। ये हाफ़ गार्डन है, ये यानी कि जो लॉन था वो हमारा आधे से ज़्यादा लॉन था, उसमें हमने ग्रास लगवा कर रेडी कर दिया है। फाइनली देख सकते हैं आप दोस्तों कि ग्रास में बिल्कुल भी गैप नहीं है, और बहुत ही अच्छे से ग्रास सेट हुई है। जो भी कारपेट्स थे वो सारे हमने बहुत ही अच्छे से फिक्स किए हैं, ताकि बीच में कोई भी स्पेस खाली ना रहे। और आप देख सकते हैं कि अब हम इसमें वाटरिंग भी कर रहे हैं दोस्तों, तो वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों ग्रास लगने के बाद। और दोस्तों जब भी आप अपना लॉन बनवाते हैं या बनाते हैं तो आप हमेशा उसमें याद रखें कि मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि पानी जब तक बना रहेगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो होते रहेंगे और ग्रास भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी, उसमें जो रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रिप पकड़ लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जो है गार्डन रेडी हो चुका है। दिन का जो रिजल्ट है वो हम आपको दिखा करके चलते हैं। ये देखिए जो हमारा रिजल्ट है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि जो मिट्टी थी वो धस गई, जिसकी वजह से घास भी धस गई थी। इसको हमने रिपेयर करा दिया, जिससे हमारे कस्टमर बहुत ही अच्छे से हमसे संतुष्ट हो गए। ये हमने जो गड्ढे रिपेयर करने थे वो हमने रिपेयर भी किए, क्योंकि ये सारी मेंटेनेंस का वर्क हम ही लेकर के चलते हैं। और दोस्तों अगर आप गार्डनिंग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, और आप भी अपने घर में ऐसे ही गार्डन बनवाना चाहते हैं, ग्रास लगवाना चाहते हैं, और बहुत ही शानदार लॉन बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है। वहाँ आकर के आप हमें व्हाट्सअप करें, हम डिटेल आपको कंफर्म करेंगे, और आपके गार्डन में को किस तरीके से डिज़ाइन करना है या जो भी कुछ जानकारी है वो हम आपकी कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने गार्डन बना करके रेडी कर दिया है। और देखिए दोस्तों, ये 25 दिन के बाद का रिजल्ट है, ग्रास कितनी अच्छे से ग्रो हो चुकी है और शानदार हो चुकी है। अब दोस्तों समय आ गया है इसकी फ़र्स्ट कटिंग का, तो फर्स्ट कटिंग हम इसकी करवा रहे हैं दोस्तों। देखिए इसकी कटिंग के लिए हमने इलेक्ट्रिक मशीन का उपयोग किया हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से शार्प और अच्छी कटिंग करके देती है, जिससे ग्रास जो है बहुत ही अच्छे से कट हो जाती है। जो हमारे भैया हैं इन्होंने बहुत अच्छे से इसको कटिंग करके रेडी किया हुआ है। आप देख सकते हैं ग्रास जो है बहुत अच्छे से कटिंग हो रही है, और जो हमारा गार्डन है वो भी हमने रेडी कर दिया है। देखिए फाइनली कितना अच्छे से हमने इसको डेकोर करके रेडी कर दिया है। आप भी ऐसा अगर गार्डन तैयार करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ आकर व्हाट्सअप करें, और जल्दी से देर ना करते हुए आप भी अपने ऐसे ही गार्डन को तैयार करने की कोशिश में लग जाएँ फटाफट से। तो फाइनली दोस्तों इस तरीके से हमने इसको कटिंग करके रेडी कर दिया है, ताकि ये जो ग्रास है वो बिल्कुल लेवल हो जाए और अच्छे से रेडी हो जाए। तो फाइनली देख सकते हैं आप जो है ग्रास बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है,
और हमने भी इसको कटिंग करवा के रेडी करवा दिया है। ग्रास बहुत ही अच्छे से ग्रो हो चुकी है। अब टाइम दोस्तों मिलते हैं फिर किसी गार्डनिंग के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के साथ। टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।